इस अब्रार अगला प्रश्न श्री गोपाल लाल शर्मा 475। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड एक जनगणना 2011 के अनुसार ग्राम पंचायत छोटी बिजोलिया के गांव तीखी की आबादी 239 है, जबकि भारत सरकार स्तर से 400 से 800 की आबादी पर आंगनवाड़ी केंद्र खोलने का प्रावधान निर्धारित है, जिसकी प्रति परिशिष्ट अपर संलग्न है। वर्तमान में नवीन आंगनवाड़ी केंद्र खोलने पर भारत सरकार की अनुमति नहीं है। भारत सरकार स्तर से नवीन आंगनवाड़ी खोलने की स्वीकृति प्रदान किए जाने पर नवीन आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की संबंधी कार्रवाई की जा सकती है। खंड दो, वर्तमान में नवीन आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अनुमति नहीं है। जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें स्वीकृति देगी, इन चीज़ों पर विचार किया जाएगा। नवीन आंगनवाड़ी केंद्रों की स्वीकृति के संबंध में भारत सरकार को कई बार पत्र लिखे गए, जिनके संबंध में अभी तक कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ, वो जो तिक्की गांव में, जो ये तिक्की में 500 से भी ज़्यादा आबादी भी रहती है, एक 2011 की पॉपुलेशन के आधार मान रहे हैं, तो वहाँ पे वापस जब पॉपुलेशन जनसंख्या की गणना होगी, तब तक वो आदमी वही शिक्षा से वंचित रहेंगे, या सरकार उनके लिए कुछ भी कुछ छोटी मिनी आंगनबाड़ी या कुछ खोलने की मंशा रखती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक नई गाइडलाइन के आधार पर जनसंख्या की बात नहीं होगी, तब तक इस गांव की महिलाओं और बच्चों को नज़दीक के केंद्र मानगढ़ से जोड़ा हुआ है, जहां से सरकार की हर योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। और माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, चाहे आंगनवाड़ी की चाहे मिनी आंगनवाड़ी की, भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की हम यहाँ पर घोषणा नहीं कर सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा बहुत ज्वलंत है, और पिछले 2.5-3 वर्षों में जब भी विधानसभा का सत्र चलता है, कई माननीय सदस्यों की ये रहती है मांग कि नवीन आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएं। मैं आपके माध्यम से तमाम हमारे पक्ष और विपक्ष के सदस्यों से एक प्रार्थना करना चाहती हूं कि सभी लोग भारत सरकार की मंत्री जी को और भारत प्रधानमंत्री जी को एक पत्र का एक हैशटैग चलाएं, इस तरह से 200 सदस्य पत्र लिखें केंद्र सरकार को कि राजस्थान के अंदर नवीन आंगनवाड़ियों की ज़रूरत है और अनुमति दी जाए। अगला प्रश्न श्री हरीश चंद्र मीणा। अगला प्रश्न श्रीमती शोभा चौहान। प्रश्न संख्या 477। अध्यक्ष महोदय, खंड एक, विधानसभा क्षेत्र सोजत में सिंचाई पाइपलाइन कार्यक्रम